तो गाइस आज मैं आप लोग कुछ इस टाइप का डार्क एंड सिल्वर टोन फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा वो भी लाइट मैप को यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके में। तो गाइस इस एडिटिंग को सीखने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए अभी ज्यादा बात के बिना आज के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को अपना फोन में लाइट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का एडवर्टाइज क्वेश्चन यहाँ पर दिखने को मिलेगा। तो इसी एडवर्टाइज क्वेश्चन पर आप लोग क्लिक करके अपना फोटो को ऐसे सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है जिस भी फोटो को आप लोगों को एडिटिंग करनी है। तो हम यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के लिए वाला फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लोग ऐड पर क्लिक करके अपना फोटो को यहाँ पर लाइट मैप के अंदर ऐड कर लेना है। तो हमारा फोटो यहाँ पर अभी लाइट मैप के अंदर ऐड हो चुका है और ऐड होने के बाद आप लोग यहाँ पर अभी ऑल फोटोज पर क्लिक करके अपना फोटो को ऐसे ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पर अभी ओपन कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर अभी ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले आप लोग चले जाने कलर क्वेश्चन में। तो गाइस ये रहा कलर्स क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है इस आप लोग यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करके आप लोग रखना है यहाँ पर 21 के आसपास और आप इसके टीन को भी आप लोग यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो टीन को इंक्रीज करके इधर पर आप लोगों को 12 के आसपास रखना है, ठीक है। और आप इसका वाइब्रेंस को भी आप लोग यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो वाइब्रेंस को इंक्रीज करके इधर पर आप लोगों को 14 के आसपास रख लेना है, ठीक है। देन गाइस इधर से अभी आप लोग चले जाना मिक्स टूल का ऑप्शन में। तो गाइस ये रहा मिक्स टूल का ऑप्शन, तो इसी मिक्स टूल पर आप लोग क्लिक करना है और मिक्स टूल पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर इसका रेड कलर का जो सैचुरेशन है तो इसे यहाँ पर आप लोग इंक्रीज करना है। तो इसे यहाँ पर इंक्रीज करके आप लोगों को 34 के आसपास रखना है और आप इसका लुमिनस जो है इसे आप लोग यहाँ पर डिक्रीज करना है। तो लुमिनस को डिक्रीज करके यहाँ पर आप लोगों को -16 के आसपास रखना है। देन गाइस इधर से भी लोग चले जाना ऑरेंज कलर में और ऑरेंज कलर में जाने के बाद यहाँ पर इसका लुमिनस को आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्लस करना है, ठीक है। तो इसका लुमिनस को प्लस करके आप लोग 20 के आसपास रखना है और उसके बाद आप लोग चले जाने ग्रीन कलर में और ग्रीन कलर में जाने के बाद यहाँ पर इसका ही को आप लोग बिल्कुल ही डिक्रीज करना है -100 और आप इसके सैचुरेशन को भी आप लोग डिक्रीज करना है -100 और आप इसके लुमिनस को भी यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डिक्रीज करना है। तो लुमिनस को आप लोग डिक्रीज करके -32 के आसपास रख लेना है। देन गाइस अभी आप लोग चले जाने येलो कलर में और येलो कलर में जाने के बाद यहाँ पर भी इसका ह्यू को फुली डिक्रीज करना है -100 और आप इसका सैचुरेशन को भी आप लोग फुली डिक्रीज करना है -100 और आप इसका लुमिनस को भी यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डिक्रीज करना है। तो लुमिनस के यहाँ पर आप लोग डिक्रीज करके -15 के आसपास रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप लोग चले जाए ब्लू कलर में और ब्लू कलर में जाने के बाद आप इसका ह्यू को आप लोग यहाँ पर डिक्रीज करना है। तो इसका ह्यू को आप लोग डिक्रीज करके -35 के आसपास रखना है और आप इसका सैचुरेशन को इधर पर लोग प्लस करना है। तो सैचुरेशन को प्लस करके इधर पर आप लोगों को +34 के आसपास रखना है और आप इसका लुमिनस को आप लोग इधर पे डिक्रीज करना है। तो लुमिनस का डिक्रीज करके आप लोगों को -42 के आसपास रखना है। देन दोस्तों यहाँ से आप लोग चले जाना पर्पल कलर में और पर्पल कलर में जाने के बाद यहाँ पर बस आप लोग ह्यू को ही डिक्रीज करना है -100। देन ऐसा लोग और कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसा लोग डन करना है और डन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग चले जाना अभी कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन में। तो गाइस ये रहा इधर पे कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक एरो क्वेश्चन इधर पे दिखने को मिलेगा। तो इसी एरो क्वेश्चन पर आप लोग क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसका शैडो टोन का ह्यू कमांड को इधर पे आप लोगों को 244 के आसपास रखना है, ठीक है। और यहाँ पर इसका सैचुरेशन को भी इधर पर आप लोग इंक्रीज करना है। तो सैचुरेशन को इंक्रीज करके इधर पर आप लोगों को 17 के आसपास रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग इधर से चले जाना मिड टर्म्स में और मिड टर्म्स में आने के बाद यहाँ पर इसका ह्यू कमांड को इधर पर आप लोगों को 207 के आसपास रखना है, ठीक है। और यहाँ पर इसका सैचुरेशन को भी इधर पर लोग इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर इसका सैचुरेशन को इधर पर आप लोगों को 47 के आसपास रखना है, ठीक है। देन गाइस अभी आप लोग कुछ स्टेप से स्वाइप करना है और स्वाइप करके दोस्तों यहाँ पर लोग ब्लेंडिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका ब्लेंडिंग का अमाउंट को इधर पर आप लोगों को 60 के आसपास रख लेना है, ठीक है। और आप इसका बैलेंस को इधर पर लोग माइनस करना है। तो बैलेंस को माइनस करके इधर पर लोगों को -52 के आसपास रख लेना है, ठीक है। देन दोस्तों ऐसे भी आप लोग और कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसे लोग डन कर लेना है और डन कर लेने के बाद दोस्तों ऐसे भी आप लोग चले जाने इफेक्ट क्वेश्चन में। तो गाइस एर इधर पे इफेक्ट क्वेश्चन, तो इसी इफेक्ट क्वेश्चन पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर इसका क्लैरिटी जो है तो इसे यहाँ पर आप लोग इधर पर इंक्रीज करना है। तो क्लैरिटी को इंक्रीज करके इधर पर आप लोगों को 16 के आसपास रखना है और आप इसका डी एच को भी आप लोग यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो डी एच को इंक्रीज करके इधर पर आप लोग 9 के आसपास रखना है, ठीक है। और आप इसका विग्नेट का जो अमाउंट है इसे आप लोग यहाँ पर डिक्रीज करना है। तो विग्नेट को डिक्रीज करके इधर पर आप लोगों को -40 के आसपास रख लेना है, ठीक है। और आप इसका मिड पॉइंट को आप लोग इधर पर 0 कर लें और आप इसका फेदर को भी आप लोग यहाँ पर बढ़ा लेना है। तो फेदर को बढ़ा के इधर पर आप लोगों को
74 के आसपास रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे आप लोग चले जाएंगे डिटेल्स क्वेश्चन में। तो गाइस ये इधर पे डिटेल्स क्वेश्चन, इसी डिटेल्स क्वेश्चन पर आप लोग क्लिक करना है, और डिटेल्स पर क्लिक करके दोस्तों आप इसका शार्पनिंग आप लोग थोड़ा सा भी इंक्रीज करना है। तो शार्पनिंग इंक्रीज करके आप लोग इधर पे 12 के आसपास रखना है, और आप इसका मास्किंग के इधर पे आप लोग को 66 के आसपास रखना है, और आप इसका नॉइस रिडक्शन के इधर पे आप लोग को 50 के आसपास रखना है, ठीक है। और आप इसका कलर नॉइस रिडक्शन के इधर पे आप लोग को 56 के आसपास रख लेना है, ठीक है। देन गाइस इधर से चले जाना लाइट्स क्वेश्चन में। तो गाइस इधर पे लाइट्स क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों आप इसका कॉन्ट्रास्ट को आप लोग इधर पे माइनस करना है। तो कॉन्ट्रास्ट को माइनस करके यहाँ पर आप लोग को -29 के आसपास रख लेना है, और इतना काम हो जाने के बाद आप लोग फोटो यहाँ पर कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमारे मॉडल का फॉरवर्डिंग अभी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये बिफोर एंड आफ्टर, देख तो पूरा का पूरा एडिटिंग यहाँ पर हो चुका है। सो कुछ इस टाइप से आपको भी अपने फोटो को एडिटिंग करना है, और एडिटिंग करने के बाद दोस्तों ऐसे लोग अपने फोटो को सेव करने के लिए यहाँ पर आप लोग शेयर क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। इसी शेयर क्वेश्चन पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर आप लोग सेव टू डिवाइस पर ऐसे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे आप लोग फोटो आप लोगों का गैलरी में सेव हो जाएगा। और एक बार दोस्तों इस फोटो एडिटिंग का प्रीसेट का लिंक भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो आप लोग जाकर वैसे प्रीसेट को भी डाउनलोड कर सकते हो।